मैं बंदर की तरह टपकता और 75 रुपए में ये सूट मार लाया। और प्यारे अब ये 75 रुपए मैं तुम्हारे मालिक का इंश्योरेंस करके वसूल कर लूंगा। अगर ये बात है ना तो फिर हाथ धो बैठ। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रोजाना सैकड़ों इंश्योरेंस एजेंट चक्कर काट जाते हैं। आदमी आदमी में फर्क होता है मिस्टर। अब तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे इनकार कर। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे मालिक का कमरा कौन सा है? वो है सामने, जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बस अब तुम देखते रहना, या तो उस कमरे से मेरी लाश निकलेगी या इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा आजाद इंश्योरेंस कंपनी, मुझे माफ कीजिए। देखिए मैं आपके एजेंट से पहले कह चुका हूँ कि मुझे इंश्योरेंस में कोई दिलचस्पी नहीं। बार बार परेशान मत कीजिए। कितने बदतमीज लोग हैं ये, कमबख्त फोन पर भी पीछा नहीं छोड़ते। जी मैं बैठ सकता हूँ हुजूर? तशरीफ रखिए। आपकी तारीफ। जी बड़ी दूर से आया हूँ, सांस लेकर अर्ज करता हूँ, तब तक आप भी अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए। ये तो रोज का झगड़ा साहब, ऐसा लगता है दुनिया में हर सड़क पे एक इंश्योरेंस कंपनी है और हर घर में एक इंश्योरेंस एजेंट है। कुमार साहब, देश की आबादी के साथ हर चीज बढ़ती जा रही, लोग पैदा भी खूब होते हैं और मरते भी खूब। अब कल ही की बात है, हमारे पड़ोस में एक आदमी मरा, 3 लाख की इंश्योरेंस थी और सिर्फ 16,000 रुपए की पहली किस्त भरी थी। अब आप ही कहिए, है ना कमाई का धंधा? मरने के बाद जो कमाई हो उसका क्या फायदा? अजी साहब, जीता रहता तो बुढ़ापे में ऐश करता, अब उसके बाल बच्चे मौज उड़ाएंगे। और आजकल इंश्योरेंस करने में लगता ही क्या है, अगर आपको 25 साल के लिए 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना हो तो कुल 7,500 रुपए साल का बीमा भरना पड़ेगा, और 7,500 रुपया हुजूर आपके जूते की धूल है। फॉर्म निकालू? काहे का? जी इंश्योरेंस का, ये देखिए मेरा कार्ड। तो तुम भी इंश्योरेंस एजेंट हो? जी आज से नहीं, पिछले 1 दर्जन साल से, मेरा मतलब है 12 साल। बॉय! यस सर। साको? जी जी जी, मैं चाय घर से पीकर आया हूँ, तुम मेरे लिए 1 ग्लास पानी लाओ। जाओ। कुमार साहब आप तकलीफ क्यों करते हैं, मैं चाय सिर्फ 1 बार पीता हूँ सवेरे। बॉय जी आप जाइए ना। जी तो तुम यूं नहीं मानोगे, लातों के भूतो बातों से नहीं मानते। उठो कुमार साहब, आप क्या कर रहे हैं? उठाया जी बैग। कुमार साहब कपड़े मेरे। कुमार साहब कपड़ों से तो सिर्फ धोबी खेलते हैं। मगर धोबी गधों के साथ यही सलूक है। मगर दुनिया क्या कहेगी? ऐसे कम जी समाज क्या कहेगा? वही जो मैं कहता हूँ। मेरा चक्करों का कोष है कुमार बाबू, मेरा कॉलर छोड़ दीजिए वरना कलफ उतर जाएगी। मैं कहता हूँ जाते हो कि नहीं? जवाब नहीं, कृष्ण सुदामा के बाद हमारी दोस्ती का बचपन की दोस्ती है ना। भाड़ में गया बच्चा? जी वो तो कब से गया हुआ है, लेकिन कॉलर तो छोड़िए। कैसे छोड़? ठीक है अगर आप मजबूर करते हैं तो चलिए अंदर चल के चाय पी लेता हूँ। हद हो गई बेशर्मी की, ऐसे करो। अरे बड़े खुशकिस्मत लोग हो तुम सब, क्या मालिक मिला है तुम लोगों को, क्या इंसान, व्हाट अ मैन। 10 साल बाद में मैं इसको मिला, वही बच्चों जैसे मिलता है। बचपन में मैं ऐसे खूब मारा करता था, आजकल मुझसे बदले निकाल रहा। कुमार प्यारे मेरे राजा। हाँ कुमार बाबू, अब मंगवा दीजिए चाय, मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता। ओहो तुम फिर आ गए, ठीक मैंने बहुत से देखे लेकिन तुमसे नहीं देखा। अजी देख भी कैसे सकते हैं, मेरे पैदा होते ही दूसरे दिन मेरी माँ चल बसी। अपने ढंग का ये एक ही नमूना है आपके सामने। कहिए फॉर्म निकालूं? बैठ जी। बैठ जाओ। खुश शुक्रिया। नाम क्या तुम्हारा? जी वैसे हिंदी में लोग मुझे सुंदर कहते हैं और अंग्रेजी में बहुत काम के आदमी हो और काम के लिए ढीठ होना भी पड़ता है। वाह वाह वाह, जवाब नहीं है आपका। एक काम करो। जी दो दो करूंगा, लेकिन गेट आउट के लिए ना कहिए। नहीं नहीं, मैं 20 लाख की एक लिमिटेड कंपनी खोलने जा रहा हूँ। आई सी। उसके शेयर बेचने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जी जरूर करूंगा, लेकिन मेरा कमीशन क्या होगा? कमीशन 2%। 2%? इज इट ओके? जी ओके, मुझे मंजूर है। लेकिन कुमार बाबू एक शर्त है। बोलो। आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी होगी। मंजूर। तुम कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में आ जाओ। बस समझ लीजिए आ गया। मैं तुम्हें सारी स्कीम समझा दूंगा। ओके बॉस। ओके कुमार बाबू। हाँ? एक छोटी सी तकलीफ और उठाएंगे। बोलो। मुझे थोड़ी सी इज्जत बख्श दीजिए। मैं कुछ समझा? जी अभी अभी आपने अपने स्टाफ के सामने मेरी इज्जत का भाजी पाला करवाया था,
और आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि बड़े आबरूदार होकर तेरे कूचे से हम निकले। अरे भाई चाय तो पी ली मैंने, अब खाना कल आके खा लूंगा। चाय वाय सब समझे राजा, अगर तुम खाना खाने नहीं आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। जी जरूर आऊंगा। अच्छा धन्यवाद। ओके प्यारे स्मार्ट।